एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू लाइटनिंग केमिस्ट्री दिस इज मी शिल्पा राजपूत एंड आपको बताइए कि लास्ट वीडियो मैंने एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही अपलोड की थी तो ये वाली वीडियो भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही है लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्पिन स्पिन इंटरैक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स एंड एन प्लस वन स्प्लिटिंग रूल सो लेट्स मूव आई हेड तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक दैट इज एन प्लस वन स्प्लिटिंग रूल इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है ईच टाइप ऑफ प्रोटोन सेंस द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ इक्विवेलेंट नहीं अन इक्वेबलेंट आएगा अन इक्विवलेंट या नॉन इक्विवेलेंट ठीक है तो ईच टाइप ऑफ प्रोटोन सेंस द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन्स एन ऑन द कार्बन एटम नेक्स्ट टू वन ऑफ विच इट इज बॉन्डेड ठीक है एंड इट्स रेजोनेंस पीक इज स्प्लिटेड इन टू एन प्लस वन कंपोनेंट अभी बताती हूँ आपको ये मैंने क्या बोला है मान लो ये हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है सी एच थ्री सी एच टू और आई यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये मिथाइल है इस मिथाइल के तीनों प्रोटोन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं इसलिए मैंने इनको एच वन एच वन और एच वन लिख दिया जबकि जो ये सी एच टू है मिथिलिन इस पर जो दो प्रोटोन हैं वो एक दूसरे को क्या है इक्विवेलेंट है ठीक है हमने इथाइल आयोडाइड लिया था यहाँ पे हेयर द टू सिग्नल्स आर ऑब्जर्व दो सिग्नल हमारे पास ऑब्जर्व हुए हैं मिथाइल प्रोटोन इट गिव्स अ ट्रिपलेट बिकॉज ऑफ द टू मिथिलिन प्रोटोन्स इन दो मिथिलिन प्रोटोन्स की वजह से मिथाइल का क्या आएगा ट्रिपलेट आएगा दैट इज यहाँ पर दो नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन थे क्योंकि यहाँ पे H1 Uh, मतलब जो ए और बी है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है ना इसका मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से जो मिथाइल है इसका जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट आएगा ठीक है और दैट इज़ एन प्लस वन मीन्स दो हमारे पास ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स थे तो एन मीन्स टू प्लस वन एन प्लस वन रूल हमारा यही तो बोलता है ना कि जितने प्रोटॉन्स हैं ना नेबरिंग के अंदर जो नॉन इक्विवेलेंट है उसके अंदर अगर हम वन ऐड करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा जो प्रोटॉन है जिसको हम कंसीडर कर कर चल रहे हैं उसका सिग्नल कितने पीक्स के अंदर स्प्लिट होगा तो यहाँ पर दो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन थे क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है तो एन की वैल्यू हुई टू प्लस वन किया तो आ गया थ्री मीनस इन केस ऑफ दिस प्रोटॉन्स इन प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास ट्रिपलेट आएगा ओके नाउ फॉर द मिथाइलिन प्रोटॉन्स यानी कि जो सी एच टू वाले प्रोटॉन्स हैं उनके केस में क्या होगा जो सी एच टू है वो हमारा अर्जेसेंट है द थ्री मीन्स जो हमारा सी एच टू है इट इज़ एडजस्टन टू द थ्री हाइड्रोजन एटम्स सो अकॉर्डिंग टू एन प्लस वन रूल एन क्या हो गया थ्री इसके अंदर प्लस वन किया हमें क्या मिला टोटल फोर मीन्स फोर पीक्स दैट इज़ अ क्वार्टेट इज़ ऑब्जर्व एंड स्पेक्ट्रा बी लाइक दैट यहाँ पे ये किसकी किसका स्पेक्ट्रा है हमारा सी एच टू की वजह से और ये सी एच थ्री की वजह से जो सी एच टू है इसका पीक आएगा अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट टू जीरो पर और जो सी एच थ्री वाला है वो आएगा अप्रोक्सीमेट वन पॉइंट एट थ्री पी पी एम ठीक है अब हम बात करते हैं अपना इंटेंसिटी ऑफ पीक्स इन द स्प्लिटेड सिग्नल्स एंड द पास्कल ट्रायंगल अब हमने बता तो दिया कि ये सिग्नल्स आए हैं है ना यहाँ पर ये क्वार्टेट है और यहाँ पर ये ट्रिपलेट है अब इस ट्रिपलेट को मैं यूं भी तो ड्रॉ कर सकती थी ना भई तीनों पीक मैंने एक जैसी लिख ली या दो पीक ऐसी लिख ली और एक साइड वाली जो पीक है आउट साइड वाली उसको मैंने बड़ा लिख लिया या मैं इस ऑर्डर में भी लिख सकती थी नहीं बट मैंने इन तीनों में से कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया मैंने इस पीक को ऐसा लिखा कि जो साइड वाली पीक्स हैं वो छोटी और जो बीच वाली पीक्स से है, वो बड़ी सिमिलरली इसके केस में भी अलग अलग केस फॉर्म हो सकते हैं बट मैंने यही केस क्यों लिया इसका मतलब जो ये पीक्स हैं ये पीक्स इंटेंसिटी बताती हैं हमारी सिग्नल की तो इस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए या यू मैं यू कहूँ कि सिग्नल्स को किस टाइप से लिखना है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पासकल्स ट्रैंगगल का ठीक है अब पासकल ट्रैंगल क्या बताती है हमें पासकल ट्रैंगल से हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मल्टीप्लेट ड्राइव्ड फ्रॉम एन प्लस वन रूल जो मल्टीप्लेट हमने एन प्लस वन रूल से निकाले हैं ना उनके इंटेंसिटी रेशियो को हम ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग पासकल्स ट्रैंगल ठीक है एंड पासकल ट्रैंगल इज बेसिकली अ मैथेमेटिकल निमोनिकल डिवाइस मैथेमेटिकल निमोनिकल डिवाइस है इन दिस ट्रेंगल ईच एंट्री इज द सम ऑफ टू विच आर इमीडिएटली लेफ्ट एंड राइट एंट्री अब इस ट्रैंगल के अंदर जो नई एंट्री होती है न वो सम होती है दो एंट्रीज का जो इमिडिएटली लेफ्ट और राइट पर होती हैं ये कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ देखो ये है हमारी पासकल्स ट्रैंगल ठीक है इतना ये पासकल ट्रैंगल है हमारे पास पासकल ट्रैंगल की जो फर्स्ट एंट्री होती है वो वन होती है ठीक है वन के साइड में कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पर जीरो लिख दी है अब जो मुझे नई एंट्री लिखनी है इसके नीचे ये इन दोनों का सम होगी ज़ीरो प्लस वन वन सिमिलरली ज़ीरो प्लस वन वन ठीक है अब इसके नीचे नई एंट्री मुझे लिखनी है इस वन के साइड में कुछ नहीं है तो मैं जीरो ही मानकर चलूंगी चलूँगी ज़ीरो प्लस वन 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 प्लस वन टू वन प्लस जीरो वन सिमिलरली ऐसे हमें पूरा फिल करना है अपना पास्कल ट्रायंगल कितनी र, अ, मतलब रोज़ होंगी इसके अंदर सेवन रोज़ होंगी पास्कल ट्रायंगल की जो हमारे एन एम आर में यूज़ की हैं आगे भी होती है एन एम आर मतलब पास्कल ट्रायंगल बट हमें इतना ही यूज़ करना है तो मैंने इतना ही लिखा ठीक है नेक्स्ट वाली रो में क्या होगा वन प्लस टू थ्री टू प्लस वन थ्री वन प्लस जीरो वन सिमिलरली यहाँ तक ठीक है ये पास्कल ट्रैंगल ड्रॉ करने का एक मेथड है अब हमारा एन एम आर में ये कैसे यूज होता है अगर हमारे पास एक ही सिग्नल आया है यानी कि सिंगलेट पीक है सिंगलेट पीक के लिए रेशियो वन रहेगी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिग्नल को छोटा लिखूं या थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं स्पेक्ट्रा के अंदर तो फर्क पड़ेगा बट अभी मैं मतलब डिवाइस से रिकॉर्ड नहीं कर रही नॉर्मल लिख रही हूँ तो उससे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर डबलेट पीक है तो दोनों सिग्नल्स दोनों पीक जो हैं वो बराबर होंगी अगर सिग्नल हमारा ट्रिपलेट है तो जो साइड वाली पीक्स होंगी वो रेशो में कम होंगी और जो बीच वाली पीक होगी वो साइड वाली पीक्स का डबल होगी इसीलिए ट्रिपलेट को हम ऐसे लिखते हैं ठीक है साइड वाली पीक आधी और जो बीच वाली पीक है वो फ आ, मतलब साइड वाली पीक्स का डबल अब क्वार्टेट है क्वार्टेट के अंदर जो साइड वाली पीक्स हैं और जो बीच वाली पीक्स हैं वो थ्री टाइम्स होंगी एज कम्पेयर टू तो साइड वाली पीक्स तो जो क्वार्टेट सिग्नल है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली ऐसे आता है ठीक है ऐसे सिमिलरली क्विंटेट क्विंटेट के अंदर रेशियो होता है वन फोर सिक्स रेशियो फोर फोर रेशियो वन सेक्स टेट के अंदर होता है वन रेशियो फाइव रेशियो टेन रेशियो टेन रेशियो टेन टेन रेशो फाइव टेन फाइव रेशियो वन ओके सब के अंदर रेशियो होता है ये वन रेशियो सिक्स रेशियो फिफ्टीन रेशियो रेशियो ट्वेंटी ट्वेंटी रेशियो फिफ्टीन रेशियो सिक्स और रेशियो वन दिस इज़ ऑल अबाउट योर एन प्लस वन स्प्लिटिंग रूल एंड इंटेंसिटी रेशियो या मैं यू कहूँ पास्कल स्ट्रेंगल आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइटनिंग केमिस्ट्री थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो